सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे मेरे चैनल का जो व्यूज है वो कितना अच्छा आ रहा है, आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने कल शाम को अपलोड किया और यहाँ पर देख सकते हैं 6200 व्यूज हो चुके हैं और शाम तक इस पर 10,000 व्यूज भी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर देखो, इससे मैंने 3 दिन पहले अपलोड किया, यहाँ पर देखो 18,000 व्यूज, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो 5,700 व्यूज। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड किए, 17,000 व्यूज, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाऊंगी तो आप लोगों को यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ दिखाती हूँ कि अभी के टाइम पे जो मेरे चैनल का व्यूज है वो कितना अच्छा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 50,000 व्यूज, ठीक है। उसके नीचे मैं थोड़ा सा जाऊंगी, यहाँ पर देख सकते 1,35,000 व्यूज। मतलब मैंने एक महीने के अंदर कितनी सारी वीडियोस है जो अपने चैनल पे वायरल करा ली है। आप लोग क्या करते हैं, सालों से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं पर अभी तक आपकी कोई वीडियो रैंक नहीं कर रही, किसी वीडियो का इंप्रेशन नहीं जा रहा है। आप लोग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि सरिता जी, हम बहुत टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं पर हमारे चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आखिर आप लोग को अपनी वीडियो को प्राइवेट करने के बाद सिर्फ एक छोटा सा काम कर देना है, आपके वीडियो पे व्यूज आने लगेंगे। बस वीडियो को प्राइवेट करो, एक छोटी सी सेटिंग को ऑन करो, आपके चैनल पे जो व्यूज है वो आने लगेंगे। जिस तरीके से मैंने अपने चैनल पे व्यूज लाए हैं उसी तरीके से आप लोग भी अपने चैनल पे व्यूज ला सकते हैं। बस एक प्राइवेट सेटिंग को ऑन करना है। बस वीडियो अगर आपने पब्लिक कर दी है तो आप लोग उस सेटिंग को ऑन नहीं कर सकते। अगर आपकी प्राइवेट वीडियो है तो आप लोग उस पर उस सेटिंग को ऑन करके अपनी वीडियो पर, किसी भी वीडियो पर व्यूज ला सकते हो। तो आप लोग भी अगर एक्साइटेड है इस ट्रिक को जानने के लिए, जो दोस्तों 100% वर्क करेगी आपके चैनल पे और आप लोग भी कभी भी व्यूज के लिए नहीं रोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये भाई कल की वीडियो के विनर है, इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया, इनके चैनल को जाके पूरा सपोर्ट करें। अगर आप लोग भी अपने चैनल का फ्री में प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आप लोग एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग विनर नहीं बन पाएंगे। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे एक महीने के अंदर इतनी सारी वीडियोस को वायरल कैसे कराया। आप लोगों को पता है कि अभी के थोड़े टाइम पहले मेरे चैनल पे जो व्यूज थे वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे। मतलब आप ये समझो कि 24 घंटे में भी 1,000-2,000 व्यूज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। पर अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं व्यूज का जो नंबर है वो कितना अच्छा आ रहा है और मेरे चैनल पे जो इंप्रेशन है वो भी काफी अच्छा जा रहा है वीडियोस का। तो आप लोग भी इसी ट्रिक को लगाकर अपने चैनल पे जैसे मेरे व्यूज आ रहे हैं वैसे अपने चैनल पे व्यूज ला सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ से वाईटी स्टूडियो पे, ठीक है। वाईटी स्टूडियो से ही आपको वो सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा जो सेटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, यहाँ पर देख सकते हैं 7,100 व्यूज हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए 11.9% का यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को भी इसी तरीके से व्यूज आने लगेंगे, बस आपको छोटी सी ट्रिक को यूज करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मान लीजिए मैंने ये वीडियो को अपलोड किया, ठीक है। इस वीडियो के मैं यहाँ से एनालिटिक्स पे चली जाती हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से इस वीडियो के एनालिटिक्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो का जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो व्यूज आर 5.9 टाइम्स हायर देन यूजुअल, मोर रेगुलर व्यूअर्स आर चूजिंग टू वॉच इट एंड दे आर वॉचिंग इट लॉन्गर, हेल्पिंग टू इंक्रीज इट्स रीच ऑन यूट्यूब रिकमेंडेशन, ठीक है। मतलब इस वीडियो को लोग बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं जिससे मेरी वीडियो की जो रीच है वो इंक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पर जो इसका ग्राफ नजर आ रहा है, ये देखो पहले के टाइम देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन था, फिर देखो इसके यहाँ पर देखो पूरा हाई होता चला गया। अगर इसमें मैं वो ट्रिक यूज नहीं करती तो इसका ग्राफ यहाँ पर रहता, जो आपको ग्रे कलर में लाइन नजर आ रही है यहाँ पर रहता। पर अभी के टाइम पे इसका ग्राफ देखो कहाँ पहुंच चुका है। ये हो गए व्यूज की बात। अब देखो यहाँ पे वॉच टाइम आ गया, यहाँ से सब्सक्राइबर्स आ गए। सिर्फ 7,000 व्यूज पे मुझे कितने यहाँ पे सब्सक्राइबर्स मिले, आप देख सकते हैं 78 सब्सक्राइबर्स। ये दोस्तों कम नहीं है, ये सिर्फ एक वीडियो से मुझे एक दिन के अंदर एक वीडियो से 78 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। अब नीचे की साइड जाएंगे, अब देखो यहाँ पे इसका जो व्यूज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ब्राउज फीचर से, अदर यूट्यूब फीचर से, यूट्यूब सर्च से, चैनल पेजेस से, सजेस्टेड वीडियो से। मतलब जो आपकी वीडियो वायरल होती है उनके लिए आपका ब्राउज फीचर से व्यूज आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बस आपको वीडियो को प्राइवेट करके एक सेटिंग को ऑन करना है, आपकी वीडियो पर भी इन्हीं सारे फीचर से वीडियो पे व्यूज आने लगेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से फीचर से आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे, कौन सी ऐसी प्राइवेट सेटिंग है जिसको आपको ऑन करना है। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे जाओ। जैसे आप लोग एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टेंट का। जैसे आप लोग इस कॉन्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है, टॉप वीडियो, आपके चैनल में जो टॉप वीडियो चल रही है वो कौन सी है। यहाँ पर देखो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ठीक है, यहाँ पर ये जो वीडियोस हैं
मेरे चैनल पे टॉप में चल रही है। तो आपको अब वो ट्रिक को यूज कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। अब देखो जो टॉप वीडियो आ रही है, इस टॉप वाली वीडियो पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस टॉप वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने उस वीडियो का एनालिटिक्स ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 135,000 व्यूज इस वीडियो पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्सक्राइबर्स दिखा देती हूँ, यहाँ से मुझे 3200 सब्सक्राइबर्स सिर्फ इसी वीडियो से मिले हैं। इतना आप लोग समझ गया। उसके बाद हम नीचे जाओ, यहाँ पर देखो इस वीडियो पर सजेस्टेड वीडियो से 5000 व्यूज आ रहा है और इसका रियल टाइम व्यूज कितना है 8993, मतलब लगभग 9000 व्यूज इस पे 48 घंटे के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब जो ट्रिक लगानी है उससे आपको फायदा क्या होने वाला है, अब सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ से चले जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यूट्यूब को ओपन कर लेना। जैसे मैंने यहाँ से यूट्यूब ओपन किया, यहाँ से मैं जाती हूँ किसी बड़े क्रिएटर के चैनल को ओपन कर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से मनोज देके चैनल को ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से ये चैनल मेरा ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ से मैं इनकी कोई सी भी रैंडमली किसी वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से मनोज देखी एक वीडियो को ओपन कर लिया। अब देखो आप नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर देखो मनोज देखी फिर से वीडियो आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, यहाँ पर देखो मेरी वीडियो आ रही है, मनोज देखी वीडियो के नीचे मेरी वीडियो आ रही है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी ट्रिक का यूज किया जिससे मनोज देखी वीडियो के नीचे मेरी वीडियो आ रही है। आप लोग भी इसी ट्रिक को लगाकर अपने चैनल पे व्यूज बढ़ा सकते हैं, ताकि कोई बड़े क्रिएटर की वीडियो को कोई खोले तो वहां पर उसके नीचे आपकी वीडियो शो हो। ये होता है यूट्यूब रिकमेंडेशन। ठीक है, ये होता है आप लोगों का व्यूज लाने का तरीका। आप देखो नीचे की साइड जाओगे तो यहाँ पर देखो, उसके बाद मैं और नीचे जाऊंगी, यहाँ पर देखो मनोज दे की वीडियो आ रही है। ठीक है, ये सभी जो ट्रिक है ये सारे बड़े बड़े क्रिएटर अपने चैनल पे करके रखते हैं, तभी दोस्तों इनकी वीडियोस पे कभी व्यूज डाउन नहीं होता। इनका जो रियल टाइम व्यूज होता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, इनकी पीछे की वीडियोस होती है वो चलती रहती है। अब यहाँ पर देखो और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो आप लोग नीचे चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो मेरी फिर से वीडियो आ चुकी है। इसी तरीके से आपकी वीडियो भी वायरल होगी कि मनोज देखी वीडियो पे कोई क्लिक करे और उसके नीचे आपकी वीडियो शो करे, वही ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से आपकी जो वीडियोस हैं वो प्रमोट होंगी। अब यहाँ से हम लोग आ गए बायटी स्टूडियो पे। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद अब आपको ट्रिक क्या लगानी है, अब सबसे पहले ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने कोई वीडियो को अपलोड किया, ठीक है, और वहां पर आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो टॉप वीडियो है आपके चैनल की, जो ये वाली टॉप वीडियो है, तो उसी वीडियो को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना। अब देखो इस तरीके से आपके सामने वो वीडियो ओपन हो गई जो आपके चैनल पे टॉप में चल रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है पेंसिल का आइकन, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, अब आपको करना क्या है ध्यान से समझिएगा। अब देखो यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इसको क्या करना है, आपको यहाँ से इस टाइटल को पूरा कॉपी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर कॉपी करेंगे इस टाइटल को कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है बैक, और जो आपकी रिसेंट में वीडियो आपने अपलोड की है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया रिसेंट में, तो मुझे क्या करना है, इसके पेंसिल के आइकन पे क्लिक करो और यहाँ पर लाके इस वीडियो के टाइटल को सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पर लाके आप लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है यूट्यूब पे। ठीक है, सिंपली यूट्यूब पे चले जाइए। यूट्यूब पे जाने के बाद अब आपको उसी वीडियो का लिंक कॉपी करना है, सिंपली अब उसी वीडियो का यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी लिंक कर लेंगे। जैसे हमने लिंक किया, अब लिंक तो आपको क्या करना, इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो, उस वीडियो का टाइटल डाल दो, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी वीडियो हो जाएगी 100% बूस्ट। आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हैं, यहाँ पर देखो मेरे चैनल पे देखो ये वाला टाइटल है वीडियो का, पर दोस्तों इसके नीचे आपको एक टाइटल और नजर आ रहा है। ये टाइटल मैंने क्यों डाला है, क्योंकि दोस्तों इस टाइटल से अगर कोई वीडियो सर्च करेगा किसी बड़े क्रिएटर की, तो यहाँ पर उसके नीचे मेरी भी वीडियो नजर आएगी, और यही कारण है कि इस वीडियो पे मेरा व्यूज आया है अच्छा खासा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों कोई भी रीजन नहीं है व्यूज लाने का। तो इसी तरीके से आप लोग अपने चैनल पे किसी वीडियो पे व्यूज ला सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो पॉपुलर वीडियो चल रही है उस पॉपुलर वीडियो के जरिए आपकी जो नई वीडियो उस पर भी व्यूज आएगा। देखो तो जो आपकी ये पॉपुलर वीडियोस चल रही हैं, इन पॉपुलर वीडियोस के जरिए आपकी नई वीडियो पर भी व्यूज आएगा। तो यही तरीका लगाकर आप लोग अपनी किसी भी नई से नई वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक बार इस ट्रिक को करके छोड़ देते हैं तो आपका यहाँ पे काम नहीं होगा। आपके चैनल में मान लीजिए अभी कोई और वीडियो चल रही है टॉप में, तो उसके बाद आपकी कोई और वीडियो चलने लगी टॉप में, तो आप क्या करेंगे, उसी वीडियो का टाइटल कॉपी करो, अपनी नई वीडियो के अंदर डाल दो। इससे क्या होगा, आपकी जो वीडियोस होंगी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे रैंक करेंगी और आपकी पुरानी से पुरानी वीडियोस भी वायरल होने लगेंगी। इसी तरीके को लगाकर दोस्तों यहाँ से मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस को वायरल करा लिया। एक महीने के अंदर आप लोग जाके देखेंगे मेरे चैनल पे तो काफी सारी वीडियोस वायरल हुई है।
और यही कारण है जो मेरे चैनल पे अभी के टाइम पे व्यूज है वो एकदम से बढ़िया आने लगा। और आप लोगों को जो तरीका मैंने बताया ये 100% वर्क करता है। और अगर आप लोग किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देख रहे हैं उनके चैनल पे ज्यादा व्यूज आया तो आप लोग क्या करेंगे उसे उनकी वीडियो का टाइटल कॉपी करो और अपनी वीडियो के अंदर डाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा आपकी वीडियो भी रैंक करेगी, उनकी वीडियो के नीचे आपकी वीडियो भी शो होने लगेगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर आपको अपने चैनल पे व्यूज किस तरीके से लाने हैं। तो अब मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि वीडियो को प्राइवेट करके बस आपको यही सेटिंग को ऑन करना है जो मैंने आपको बताया। अगर आपने एक बार वीडियो को पब्लिक कर दिया उसके बाद ये ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। जब आप अपनी वीडियो को पब्लिक करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले आपको ये ट्रिक को लगा देना है जब आपकी वीडियो प्राइवेट होती है या अनलिस्टेड होती है। तो आप लोग बस इसी तरीके को लगाकर अपने चैनल पे किसी वीडियो को रैंक करा सकते हैं। और दोस्तों आप लोग ज्यादातर देखेंगे मेरे चैनल पे मैक्सिमम वीडियोस के अंदर आपको एक टाइटल की जगह दो टाइटल नजर आएंगे। इसका दोस्तों यही रीजन है कि दो टाइटल डाल के हमारी जो वीडियोस होती है बहुत जल्दी रैंक करती है। जो कोई वायरल वीडियो उसकी वीडियो का टाइटल आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालो और 100% अपनी किसी वीडियो को वायरल करा लो। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आई होप आप मुझे किसी डाउट को क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग भी व्यूज के लिए रो रहे हैं तो आज के बाद आपको नहीं रोना पड़ेगा, बस आप लोगों को मन लगाकर काम करना है। तो बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।